एवरीवन, वेलकम टू आवर केमिस्ट्री क्लास। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाइसेक्राइड्स। आज हम डाइसेक्राइड्स में सुक्रोज देखेंगे, उसके बाद माल्टोज, देन लैक्टोज। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डाइसेक्राइड्स। डाइसेक्राइड्स का डिफिनेशन हमने कर लिया था। डाइसेक्राइड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो हाइड्रोलिसिस के बाद दो मॉलिक्यूल्स ऑफ, या फिर बोले दो यूनिट किसके देते हैं, मोनोसेक्राइड्स के देते हैं। तो डाइसेक्राइड्स में तीन एग्जांपल्स हमारे थे। पहला हमारा था सुक्रोज, दूसरा हमारा था माल्टोज, एंड थर्ड जो हमारा था वो था लैक्टोज। तो हम एक एक करके तीनों के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे, तीनों का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सुक्रोज से। सुक्रोज सबसे पहले हम इसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, तो दो मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसेक्राइड हमें मिलेगा सुक्रोज। ये सुक्रोज, इसका फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11। इसका हम करवाएंगे हाइड्रोलिसिस प्लस एसिडिक मीडियम, तो हो जाएगा H2 एंड एसिडिक मीडियम H+, या फिर हम इसको लिख सकते हैं S3O+। हमें मिलेगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज। क्या मिलेगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, C6H12O6 प्लस C6H12O6। C6 12 कार्बन हो गया, यहाँ पे 22 प्लस 2 इसमें से गया 24 हो गया, 12 हो गया 24, 11 और एक ऑक्सीजन यहाँ से 12 हो गया, 6 6 12 हो गया हमारा। अब ये इसमें सिर्फ एक हमारा होता है ग्लूकोज और एक होता है फ्रक्टोज। तो जो हमारा ग्लूकोज होता है वो होता है अल्फा डी ग्लूकोज, और फ्रक्टोज में हमारा होता है बीटा डी फ्रक्टोज। ग्लूकोज में हमारा होता है अल्फा डी ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में हमारा होता है बीटा डी फ्रक्टोज, चूँकि इनका मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है। अब हम बनाएंगे सुक्रोज का स्ट्रक्चर। जब इन दोनों अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर को हम कंबाइन करेंगे, उसमें से वाटर को रिमूव करेंगे, तो हमें मिलेगा सुक्रोज का स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम बनाएंगे अल्फा डी ग्लूकोज, जो मैंने पहले ही बता चुका है साइक्लिक स्ट्रक्चर में आएगा। एक बार हम फिर इसे रिवाइज करते हैं अच्छे से समझने के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम बनाएंगे फिशर प्रोजेक्शन। ग्लूकोज अल्फा डी ग्लूकोज हमें बनाना है। ग्लूकोज में होता है एल्डिहाइड ग्रुप, ये हो गया हमारा। उसके बाद से हमारा 4 हॉरिजेंटल लाइन्स यहाँ पर रहेंगे, देन CH2OH। ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, देन फिफ्थ, ये हमारा सिक्स। थर्ड नंबर कार्बन पे OS हमेशा हमारा लेफ्ट में होता है, ओके। और हमारा एज इट इज OH, H, OH, H, OH और H। हमने बताया था ये नीचे वाला ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन लेता है, इस पर आता है नेगेटिव का साइन, इस पर आता है पॉजिटिव, और ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अपना देता है इस कार्बन को, और ये H प्लस चला जाता है इस ऑक्सीजन के पास, जहाँ पे हमारा सिक्स मेंबर्ड रिंग फॉर्म होता है। किसके बेस पे, पायरॉन के बेस पे। पायरॉन क्या होता है, ये होता है हमारा पायरेन, जो हम पहले बता चुके हैं पायरेन। इसके बेस पे हम बनाएंगे इसका स्ट्रक्चर। पहले देखिए इसका, अब आगे इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। इसका बनेगा हमारा, इसको भी हम बॉन्ड लेंथ से रिप्रेजेंट करेंगे, फर्स्ट, देन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड देन फिफ्थ, एंड लास्ट में हमारा रहेगा CH2OH। ये हो गया हमारा ये। अब ये OH चला गया इस कार्बन के पास, और ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के पास चला गया। तो ये हमारा ये कार्बन, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव, ये ऑक्सीजन बॉन्ड बनाया है इस कार्बन के साथ, ये ऑक्सीजन इसके साथ बॉन्ड बनाया। तो हम इसका बॉन्ड बनाते हैं यहाँ से, ये बन गया बॉन्ड। फिफ्थ नंबर कार्बन वाला जो ऑक्सीजन था, ये पहले नंबर कार्बन से बॉन्ड बनाया यहाँ से, ये फर्स्ट कार्बन, यहाँ से बॉन्ड बन गया, प्लस यहाँ पे बचा गया H बचा है, देन ये ऑक्सीजन था इसके पास, ये हाइड्रोजन चला गया, बचेगा इधर OH, और जो जैसे है उसको वैसे ही नोट कर लेंगे एज इट इज़। तो हमारा क्या बचेगा, सेकेंड पे OH, एच, थर्ड नंबर पे हमेशा OH लेफ्ट में, OH, H, OH, देन H, देन H। हमें बनाना है अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा कब होगा, जब OH हमारा होगा रिंग के अंदर। तो हमारा पहला तो अल्फा फॉर्म ही बनता है। अब हम इसे बनाएंगे अल्फा डी ग्लूकोज, इसके बेस पे बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे
स्ट्रक्चर किसके बेस पे, पायरेन के बेस पे कुछ बनेगा ऐसा। उसके बाद हम सबको एक एक वर्टिकल लाइन इस पे देंगे। ये स्ट्रक्चर हम पहले बता चुके हैं लेकिन रिवाइज करवा रहे हैं इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए। अब जो हमारा राइट में है ठीक वो जाएगा नीचे बिलो, और जो हमारा लेफ्ट में है वो होगा ऊपर। ऑक्सीजन तो पहले बीच में आ चुका है, फर्स्ट कार्बन है यहाँ पे, फर्स्ट कार्बन हमारा है यहाँ पे, यह फर्स्ट, यह कितना गंदा चल रहा है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स नंबर आएगा यहाँ पे। तो अब हम इसे देते हैं OH हमारा है राइट में, राइट मतलब नीचे तो हो जाएगा OH, H ऊपर, सेकंड नंबर पे OH हमारा है राइट में तो जाएगा नीचे, H ऊपर, थर्ड नंबर पे H हमारा राइट में है, OH लेफ्ट में है तो लेफ्ट वाला जाएगा ऊपर और ये होगा नीचे, सेम इसके जैसा OH हमारा राइट में है तो आएगा नीचे और H ऊपर, CH2OH हमेशा ही ऊपर रहता है टॉप पे और नीचे हो जाएगा H। इसे हम बोलते हैं अल्फा डी प्लस ग्लूको पायरेनोज, इसे हम बोलते हैं अल्फा डी प्लस ग्लूको पायरेनोज, क्योंकि पायरेन के स्ट्रक्चर पे ये बना था इसलिए पायरेनोज बोलते हैं। तो यही है हमारा अल्फा डी ग्लूकोज, हम इसको लेंगे प्लस बीटा डी फ्रक्टोज को कंबाइन करेंगे, उसे वाटर को रिमूव करेंगे तो हमें मिलेगा स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज। तो अब हम चलते हैं बीटा डी फ्रक्टोज बनाने, हम चलते हैं बनाएंगे बीटा डी फ्रक्टोज। बीटा डी फ्रक्टोज उसके पहले सबसे पहले हम फिशर प्रोजेक्शन उसका बनाएंगे, उसमें होता है कीटो ग्रुप, इसका फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6 बनाएंगे, ऊपर होगा CH2OH, नीचे होगा C डबल बॉन्ड O, उसके बाद से यहाँ पे होगा तीन हॉरिजेंटल लाइन और एक वर्टिकल, लास्ट में CH2OH। यहाँ पे दो दो प्राइमरी अल्कोहल होते हैं, थर्ड नंबर कार्बन पे OH हमेशा लेफ्ट में, चाहे ग्लूकोज हो या फ्रक्टोज हो, H OH OH H और H, इसमें बनेगा फाइव मेंबर्ड रिंग। अब ये वाला कार्बन ये अपना इलेक्ट्रॉन लिया, इस पर आएगा नेगेटिव का साइन, नेगेटिव साइन यहाँ पे आएगा, इस पर होगा पॉजिटिव, इसके पास जो लोन पेयर है ये जाएगा इसके पास, इस कार्बन के पास, और ये हाइड्रोजन जाएगा इस ऑक्सीजन के पास। तो हमारा जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आएगा वो बनेगा कुछ ऐसा, फर्स्ट कार्बन को हम इस तरह से लाइन से दिखा रहे हैं, उसके बाद कितने वर्टिकल हॉरिजेंटल लाइन है, 1 2 3 1 2 3, ये वाला कार्बन हमारा है यहाँ पे, CH2OH आ जाएगा हमारा अंदर, प्लस फोर नंबर, ये 1 2 3 4 5, ये हमारा ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा इस कार्बन के साथ। तो हम बॉन्ड बनाते हैं, बन गया बॉन्ड यहाँ पे CH2OH, ओके। अब हमारा क्या बचा है, ये कार्बन है हमारे यहाँ फर्स्ट, सॉरी ये कार्बन इससे जुड़ा है CH2OH, तो पहले लिखेंगे CH2OH, ये हो जाएगा फर्स्ट कार्बन, ये होगा हमारा सेकंड कार्बन, ये है फर्स्ट ये सेकंड, उसके बाद बचेगा क्या OH, सीधा हम बीटा फॉर्म बना रहे हैं। अगर हम पहले चाहे तो OH को रिंग के अंदर लाएंगे, एक बार OH जाएगा रिंग के बाहर, चूँकि हमें चाहिए बीटा डी फ्रक्टोज तो हमें OH रिंग के बाहर करना है ऊपर में, इसको एनोमर्स भी बोलते हैं फ्रक्टोज के, फर्स्ट कार्बन पे चेंज होता है पोजीशन, सेकंड नंबर पे यहाँ पे हो गया, थर्ड नंबर पे H OH OH देन H देन H। अब हम इसका स्ट्रक्चर किसके बेस पे बनाए थे, इसका स्ट्रक्चर बनाए थे हम फ्यूरान के बेस पे, किसके बेस पे, फ्यूरान के बेस में। फ्यूरान कैसा होता है, फ्यूरान होता है कुछ ऐसा, इसके बेस पे हम बनाए थे फ्रक्टोज का फाइव मेंबर्ड रिंग। फाइव मेंबर्ड कैसे बनेगा, एक कार्बन ठीक है, 1 2 3 4 प्लस एक ऑक्सीजन, यहाँ से बनेगा फाइव मेंबर्ड रिंग, प्लस हमें कौन सा चाहिए बीटा डी फ्रक्टोज। बीटा का मतलब अल्फा कब रहेगा, जब OH होगा रिंग के अंदर, अगर OH रिंग के बाहर है तो इसे बोलेंगे बीटा फॉर्म। तो ये है हमारा बीटा डी फ्रक्टोज। जब हम साइक्लिक या फिर हावर्थ प्रोजेक्शन इसे बोलते हैं इसके फॉर्म में बनाएंगे तो इसे बोलेंगे बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज। तो हम बनाते हैं अब इसका स्ट्रक्चर कैसे, सबसे पहले हम बनाएंगे ओके। अब ये हो गया हमारा ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन हमारा चला गया, उसके बाद सबको एक एक वर्टिकल लाइन हो गया,
सारा एक एक वर्टिकल लाइन हो गया। उसके बाद से सी एच टू ओ एस कहाँ पर हमारा राइट में, राइट वाला जाएगा नीचे सी एच टू ओ एच, और एच जाएगा ओ एच जाएगा ऊपर। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ देन सिक्स जाएगा ऊपर। अब यहाँ पे देखते हैं हम थर्ड नंबर पर, थर्ड फोर्थ फिफ्थ देन सिक्स, थर्ड नंबर पे हमारा एच है राइट में तो आएगा नीचे, ओ एच जाएगा ऊपर लेफ्ट में। फोर्थ नंबर पे ओ एच हमारा राइट में तो नीचे, एच ऊपर, इधर एच एंड सी एच टू ओ एच ऑलवेज ऑन टॉप, ये हमेशा टॉप पे रहेगा। अब हमें सुक्रोज बनाने के लिए इसे इस स्ट्रक्चर को पलटेंगे, इसको पलट देंगे हम, और जो नीचे है वो जाएगा ऊपर, जो ऊपर है वो जाएगा नीचे, ओ एच है तो नीचे आ जाएगा, सी एच टू ओ एच ऊपर जाएगा। देखिए कैसे, इसका नेम क्या है, बीटा डी फ्रक्टो प्लस किसके बेस पे बना है, फ्यूरेन के, फ्यूरेन फ्यूरेनोस, बीटा डी फ्रक्टो फ्यूरेनोस। अब हम इस स्ट्रक्चर को रोटेट करेंगे, इसे पलटेंगे, देखिए कैसे, ये रिंग ऐसे है, इस तरह से है, इसको हम ऐसे कर देंगे, ऐसे था इसको ऐसे करेंगे, ठीक है। सपोज हाँ ये है, देखने में तो एक ही जैसा है, ठीक ऐसे था, लेकिन अब हम करेंगे इसको ऐसे, और जो ग्रुप नीचे है वो जाएगा ऊपर, जो ऊपर है वो जाएगा नीचे। कैसे जाएगा, ये फर्स्ट, फर्स्ट कार्बन ये है ना सी एच टू ओ एस, कहाँ पे है नीचे, नीचे तो जाएगा हमारा ऊपर। वर्टिकल लाइन पहले हम कर देंगे एक एक, अब हमारा इसको हम पलट दिए हैं तो हमारा क्या होगा, फर्स्ट नंबर पे ये फर्स्ट वाला जो सी एच टू ओ एस है नीचे है हमारा, ये जाएगा ऊपर सी एच टू ओ एच, ठीक है। केवल सुक्रोज के स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम लोग इसका यूज़ ऐसे करेंगे, नहीं तो बीटा डिफ्रक्टोज हमारा ऐसे ही होगा। उसके बाद से ओ एच आएगा हमारा नीचे, सेकंड नंबर पे हम आते हैं, ये फर्स्ट सेकंड, नाउ थर्ड कार्बन इज ओ एच है ऊपर तो जाएगा नीचे, ठीक। फोर्थ पे ओ एच हमारा नीचे है तो हो जाएगा ऊपर, और हाइड्रोजन हो जाएगा नीचे, अपोजिट हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, ये हमारा सी एच टू ओ एच जाएगा नीचे, ठीक है, और एच जाएगा हमारा ऊपर। अब इन दोनों को कंबाइन करके हम निकालेंगे वाटर, और हमें मिलेगा स्ट्रक्चर किसका मिलेगा, सुक्रोज का। तो चलते हैं हम सुक्रोज का स्ट्रक्चर बनाने। सुक्रोज का स्ट्रक्चर सीधा, पहले क्या लेंगे हम, अल्फा डी ग्लूकोज, क्या लेंगे, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज प्लस हम कंबाइन करेंगे बीटा डी फ्रक्टोज, फ्रक्टोज, ठीक है। तो हम बनाने जा रहे हैं अल्फा डी ग्लूकोज, अभी हमने पहले बनवाया है, एक एक वर्टिकल लाइन, ठीक है। अल्फा फॉर्म में क्या होता है, ओ एच हमारा रिंग के अंदर होता है, अंदर मतलब नीचे, राइट में, राइट का मतलब नीचे, उसके बाद ऊपर। सेकंड नंबर पे हमारा ओ एच होता है राइट में, जाएगा नीचे, एच जाएगा ऊपर। थर्ड नंबर पे हमारा ओ एच होता है लेफ्ट में, लेफ्ट है तो जाएगा ऊपर, और एच जाएगा नीचे। फोर्थ नंबर कार्बन पे हमारा होता है ओ एच हमारा होता है राइट में तो नीचे, और एच ऊपर, सी एच टू ओ एच हमेशा होता है हमारा टॉप पे। ये है अल्फा डी ग्लूकोज, या फिर बोलें ग्लूकोपाइरेनोज। प्लस हमें क्या चाहिए यहाँ पे, अब हम यहाँ पे बनाएंगे फ्रक्टोज, बीटा डी फ्रक्टोज, बीटा डी फ्रक्टोज को हम स्ट्रक्चर को चेंज किए थे तो क्या हुआ था हमारा, नीचे आया ऊपर था हमारा सी एच टू ओ एच, नीचे था हमारा ओ एच, देन सेकेंड नंबर पे हमारा ओ एच था नीचे, उसके बाद था एच, उसके बाद ओ एच, एच नीचे आया था सी एच टू ओ एच, और ऊपर हमारा था एच। ये था बीटा डी फ्रक्टोज को जब हम इसका स्ट्रक्चर रोटेट कर दिए थे, उसको पलट कर लिखे थे तब। अब हम यहाँ से निकालेंगे वाटर, ये एच टू ओ, यहाँ से निकलेगा माइनस एच टू ओ, उसके बाद जो बॉन्ड बनेगा उसको बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। यहाँ से हम अभी इसे लिखने जा रहे हैं कैसे, ध्यान से देखिए, दिख नहीं रहा है, ओके ओके, ये हमारा है, ठीक है। प्लस कंबाइन हो जाएगा फ्रक्टोज, अब हम
इसको स्पीसीज जोड़ेंगे यहाँ पे एच, यहाँ से तो निकल चुका है, यहाँ पे बचेगा ऑक्सीजन, ये बॉन्ड बनाएगा इसके साथ। जब हाइड्रोजन चला गया है, H2O बाहर निकल गया, यहाँ पे एक बॉन्ड बनेगा जिसको बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या फिर बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ऊपर हमारा बचेगा CH2OH, इधर H, देन CH2OH, यहाँ पे आएगा OH, H, H, OH, इधर का यहाँ पे होगा H, OH, OH, H, OH, देन H, यहाँ पे होगा H, यहाँ पे होगा CH2OH। ये जो स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे मिला है ये होता है सुक्रोज का स्ट्रक्चर, ठीक। और ये जो हमारा यहाँ पे बॉन्ड बना है इसको बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या फिर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लिंकेज, या फिर बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बोहाइड्रेट्स के बीच कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, तो यहाँ पे होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे माल्टोस एंड लैक्टोस, तब हम इतना सारा डिटेल में नहीं बताएंगे फिशर प्रोजेक्शन और हावर्ड प्रोजेक्शन, सीधा हम इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर पे आएंगे, उसे रखेंगे और उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।